सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी एक ही हवन पर आप लोग सब आए। आज कोरोना वायरस से पूरे लोग और पूरी दुनिया और पूरा भारत के लोग परेशान हैं। जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की बात करी है वो छोटे व्यापारियों के प्रति है। उसमें हमारे जो यूज्ड कार बेचने वाले लोग हैं कुछ, वो भी उस दायरे के अंदर आते हैं। तो मैंने उन मेंबरों से, उन लोगों से यही आग्रह किया है कि आप लोग बैंक में अप्लाई करें और आप आधार कार्ड लगाएं उसमें और अपना पहचान पत्र दें, एक एसोसिएशन की आईडी लगाएं, एक एसोसिएशन का अगर लेटर की जरूरत होगी तो एसोसिएशन देगी, आप लोन के लिए अप्लाई करें। उसके बाद हमने जो इंटरेस्ट रेट का जो मुद्दा है, इंटरेस्ट रेट टैक्स, उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से मांग करता आ रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट टैक्स खत्म होना चाहिए एक स्टेट से दूसरी टैक्स में। जब हमारा जीएसटी टैक्स एक है, भारत एक है, सरकार बोला करती थी इसके बाद कोई और टैक्स नहीं होगा, तो ये जो स्टेट टैक्स है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। उससे हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं माननीय हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैडम निर्मला सीतारमन जी से, कि वो हमारे बारे में कुछ सोचें। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर 2 साल के लिए जीएसटी ख़त्म किया जाए और नई गाड़ी पर 10% टैक्स। कितनी शुरू हो चुकी है कोई? देखो, अभी यूज्ड कार का बिजनेस इसलिए चलेगा क्योंकि लोग मेट्रो में बैठना पसंद नहीं करेंगे, ऑटो में बैठना पसंद नहीं करेंगे, ओला उबर में बैठना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई कोरोना वायरस उसमें बैठ करके गया होगा तो वो बीमारी अपने घर लेकर के चला जाएगा। तो इसलिए लोग भले छोटे मॉडल की गाड़ी ले, 2 लाख 4 लाख 5 लाख की, यूज्ड गाड़ी लेना ही पसंद करेंगे और अपनी गाड़ी में चलना ही पसंद करेंगे, क्योंकि कोरोना अब जल्दी से जाने वाला नहीं है। इसके साथ ही हमको जीना और इसके साथ ही मरना है। नितिन गडकरी साहब से भी प्रार्थना करेंगे, जो हमारे भारत सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, कि जो पूरे हिंदुस्तान के आरटीओ के सर्वर डाउन है, गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो पाती। गाड़ी लेना और बेचना बहुत आसान है, जो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती उस पर फिर गलत काम होते हैं, क्राइम होता है, बम ब्लास्ट हो गया, गलत काम हो गया, किडनैपिंग हो गई। तो मैं नितिन गडकरी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गाड़ी ट्रांसफर करने का कोई जुगाड़ करें या इसको मैन्युअली लिख के दें कि आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। नहीं तो कस्टमर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लोग कहते हैं कि आपने गाड़ी दे दी थी, ट्रांसफर क्यों नहीं कराई, आरटीओ में गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए हमारी जो एक टीम नासिक में आज आरटीओ गई थी, उन्होंने वहाँ के सीएम को लेटर लिख के भेजा कि ये हमारा मुद्दा है, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, ये ट्रांसफर वाला मुद्दा बहुत जल्दी आना चाहिए और आरटीओ का काम जल्दी से जल्दी परफेक्ट लाइन पर रहे। ठीक है, धन्यवाद।